दोस्तों व्हाट्सएप आज के समय में दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर रोजाना 2 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स एक्टिव रहते हैं। और आज के समय में हर घर में व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, आज के समय में सबसे ज्यादा फ्रॉड व्हाट्सएप पर ही हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि व्हाट्सएप पर ऐसे कौन सी गलती है जो हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी वर्षों की कमाई कुछ मिनटों में ही बिल्कुल भी खत्म हो सकती है। आपका अकाउंट हैक हो सकता है और आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारे अपडेट्स लेकर के आता रहता हूं जो सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे में स्कैमर भी व्हाट्सएप को अपना मेन अड्डा बनाकर बैठे हुए हैं। और आजकल कुछ ऐसे स्कैम हो रहे हैं जो कई हजार लोगों के साथ में हो चुका है और उनके लाखों रुपए बैंक से उड़ा दिए गए हैं। इस वीडियो में हम 2 से 3 व्हाट्सएप स्कैम के बारे में बात करेंगे जो लोगों के साथ अक्सर होता रह रहा है और शायद आपके साथ भी हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो सावधान रहें, अन्यथा आपके साथ भी हो सकता है। आइए समझते हैं 1 by 1 करके। सबसे पहला, स्कैमर आपके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है जिसमें कुछ लुभावने ऑफर होते हैं। हो सकता है आपको जॉब का लालच दिया जा रहा हो या फिर कोई सस्ते प्रोडक्ट का, कुछ भी हो सकता है। और उस मैसेज में लिखा रहता है कि आपके जिले में ही एक बहुत ही मस्त सी जॉब है जिसकी सैलरी शुरुआत में 20,000 या फिर 25,000 या फिर 30,000, कुछ भी वो लिख सकते हैं जो आपको लुभा सके। और आप वो मैसेज देखकर सोचते हैं चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता अच्छी जॉब ही हो, और आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और फिर जो है फ्रॉड का खेल स्टार्ट हो जाता है। वो स्कैमर आपका व्हाट्सएप को हैक कर लेता है और सभी आपके कॉन्टेक्ट को जो है मैसेज भेजना शुरू कर देता है कि मुझे एक इमरजेंसी काम के लिए बहुत ही जल्द कुछ पैसों की जरूरत है, आपको वो पैसे में कल लौटा दूंगा। जिससे एक्चुअली जो लोग होते हैं वही समझते हैं कि वो मैसेज तो हमारे ही जानने वाला का है, हमारे सगे संबंधित का है, जिससे कई लोग जो है पैसे भेजने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और तब स्कैमर बोलता है मेरे उस अकाउंट नंबर पर पैसे मत भेजना जो बंद हो गया है, दूसरा अकाउंट नंबर दे रहा हूं। अगर आपके साथ ऐसा मैटर आता है तो आप पैसा ना भेजें। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त या फिर आपका रिश्तेदार जिसके नंबर से मैसेज आ रहा है उसे सच में पैसों की जरूरत है, तो आप पहले एक बार उस व्यक्ति से कॉल करें और कंफर्म करें आपको पैसे की जरूरत है क्या। अगर बोलता है तो भेज सकते हैं, अगर उन्होंने नहीं बोला तो समझ जाए कि कोई स्कैमर था जो आपको ठगने की कोशिश कर रहा था। अगर आपके भी व्हाट्सएप में ऐसा स्कैम हो गया है तो तुरंत साइबर क्राइम ऑफिस पर जाएं, उसकी रिपोर्ट करें और कॉल पर बिना कंफर्मेशन किए ही आप पैसे ना भेजें। यह बहुत ही ज्यादा मार्केट में हो रहा है, यह हम लोगों के सामने भी देखा गया है। इसी प्रकार अब दूसरे स्कैम की बात करें तो इसमें स्कैमर एक अननोन नंबर से मैसेज भेजता है कि आपके दोस्त बहुत ही मुसीबत में है, हम उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप जल्द से इस नंबर पर इतने रुपए भेज दीजिए नहीं तो उनकी जान चली जाएगी। और आप डर जाते हैं कहीं आपके दोस्त के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए और आप पैसे तुरंत ही भेज देते हैं, या फिर वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, और पैसे भेजने के बाद दोबारा से कॉल करने पर वो कॉल ही नहीं उठाते हैं या फिर कॉल लगता ही नहीं है। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि स्कैम तो हम लोग समझ गए, लेकिन हमारा व्हाट्सएप हैक ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी स्कैमर ने हैक कर लिया है तो आप तुरंत अपने व्हाट्सएप को रिसेट कर दें और फिर दोबारा से अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन कर लें। इससे क्या होगा कि आपके फोन में आपका व्हाट्सएप लॉगिन हो जाएगा और स्कैमर के पास से आपका व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाएगा। इससे जो है आप बिल्कुल भी सेफ रह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आखिर में इससे बचा क्या जाए और क्या क्या उपाय हो सकता है, इसमें क्या ध्यान रखने की बातें हैं, इसके बारे में अगर हम समझें तो कोई भी आपका दोस्त रिश्तेदार या फिर फैमिली मेंबर आपके पास मैसेज करके कुछ पैसों की मांग करता है तो सबसे पहले आपको उनके नंबर पर कॉल करके उनसे खुद कंफर्म करें, उसके बाद ही उन्हें पैसे भेजें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस समय स्कैम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है तो सबसे पहले बचने के लिए आपको व्हाट्सएप पर 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन जो है एक्टिव करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका व्हाट्सएप जब भी कोई लॉगिन करेगा तो वह पिन पूछेगा, अगर नहीं बताते हैं तो वह व्हाट्सएप को आपका लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये सारी स्टेप है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है और ये केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, भारत में बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम अपडेट्स लेकर के आता रहता हूं। मैं
मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।